हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसे कि बहुत दिनों से मैंने अपने गार्डन में बिल्कुल भी काम नहीं किया और ना ही मैं अपने गार्डन की कोई वीडियो शेयर कर रही थी, क्योंकि मैं गार्डन में कुछ काम नहीं कर रही थी। तो सोच रही थी कि मैं अपने गार्डन का मेकओवर कर लूँ और अपने गार्डन की साफ़ सफ़ाई भी कर लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि घर की तो सफ़ाई हो चुकी है, तो क्यों ना मैं अपने गार्डन का मेकओवर भी कर लूँ और अपने गार्डन को सजाऊंगी भी, और लाइटिंग्स भी लगाना है मुझे। तो आपसे मैं इसी वीडियो में सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी। हालांकि मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया है। तो भी आप देख रहे हैं कि गार्डन में सब कुछ फैला हुआ है और धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर जितने भी सारे प्लांटर्स वगैरह सब कुछ मैंने इधर रखे हुए हैं, तो ये आप देख रहे हैं फैला हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मैं अपने गार्डन में काम बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। और मैंने थोड़ा बहुत मेकओवर किया था, तो उसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी। तो उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया था, उसके बाद अब मैं काम कर रही हूँ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, और अभी ये सब प्लांटर्स वगैरह सब फैले हुए हैं, तो इन सबको मैं जो ख़राब है उनको मैं फेंक दूंगी, और जो अच्छे हैं तो उनमें मैं प्लांट्स वगैरह लगा लूंगी। मिट्टी वगैरह मैंने खाली कर ली है और ये प्लांटर्स मैं फेंक दूंगी, इनको मैं हटा दूंगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आपने ये सब चीज़ें देख ली हैं कि मैंने ये सब चीज़ें, लेकिन अभी मैं ये पूरा एरिया क्लीन करूँगी, यहाँ से सारे प्लांटर्स हटाऊँगी। और यहाँ से सारे प्लांटर्स हटाने के बाद मैं अच्छे से, मतलब एक जगह पर ही सारा प्लांटर्स अरेंज करूँगी, सारे पॉट्स को रखूँगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा है, क्योंकि गर्मी की वजह से मैंने एक ही जगह पर सारा प्लांटर रख दिया था। तो अभी वक्त आ गया कि हम अपने गार्डन को विंटर के लिए तैयार कर लें। तो अगर मैं अभी अपने प्लांटर्स को अरेंज कर लूँगी, तो बाद में मुझे विंटर में करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने सारे प्लांटर्स हटाने की कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी करके हटा ली है, सारे जितने भी प्लांटर्स फैले हुए थे तो मैंने एक दिन में हटा लिए। और इस गार्डन में कुबेर में मैंने काफ़ी टाइम लगाया है, क्योंकि मैं खुद अकेले ही अपने गार्डन का काम करती हूँ, तो धीरे धीरे सारे काम करती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने सारे प्लांटर्स वगैरह हटा लिए थे, और देखिए मेरे बोगनविले वगैरह में कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो ये जो सारे प्लांटर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इन सबको भी मैंने अच्छे से एक जगह पर रखना है। और यहाँ पर ये जो बोगनविलिया है, इसकी जो बकेट है ये थोड़ी सी डैमेज हो गई है, तो मुझे इसे रिपोर्ट करना है, क्योंकि रिपोर्ट किए बिना मैं इसको हटा नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने वो पहले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मैंने कैसे इस स्टैंड को बनाया हुआ है, और लकड़ी के पटरों को यूज़ करके। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से किया हुआ था, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ और करूँगी इसमें। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर इसी तरह से कर लिया है, सारे प्लांटर्स वगैरह मैंने सारे खुद ही हटाए हैं, सब कुछ खुद ही रखे हैं, और मैंने उठाए नहीं है। मैंने एक ट्रिक यूज़ की थी, सारे प्लांट्स को रिपोर्ट कर दिया था, इससे मुझे डबल मेहनत तो पड़ी, लेकिन मैंने सारे प्लांटर्स को अच्छे से अरेंज भी कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने बर्ड हाउस जो बनाया था, तो उसको भी मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया। तो उसका वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर। और यहाँ पर देखिए, सारे DIY मैंने जितने भी बनाए हैं, तो वो मैंने इस तरह से रखे हुए हैं। तो अभी आप बीच में वो देख रहे हैं जो टब है, तो वो टब वाकई ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे उसको भी हटाना है। और अभी मैं नहीं हटाऊंगी, क्योंकि ये भी मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, और अब मैं इसको, अब जो मेरा काम होगा तो वो मैं इससे ही हटाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लीन करूंगी, पूरे ये एरिया पूरा अच्छे से क्लीन करूंगी, उसके बाद मैं डेकोरेट भी करना है मुझे अपने गार्डन को अच्छे से। और ये सब टाइल्स वगैरह, इनको भी मैं यूज़ कर लूँगी, ये जितने भी DIY जो बनाए थे, और जो ये प्लांटर्स वगैरह खा लें, तो इन सबको भी मैं हटा दूँगी। तो फ्रेंड्स, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, और शेयर करने के बाद आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा गार्डन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ें दोबारा से अरेंज की थी, तो मौसम अच्छा हो गया था, इसलिए फिर मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर किए प्लांटर्स वगैरह। तो अभी मुझे तब भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं इन सब चीज़ों को हटाऊँगी, फिर मैं अच्छे से दोबारा से कुछ और नया करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर ऐसी ही सब चीज़ें रखी हुई हैं, और टब वगैरह जो था वो मैंने हटा दिया, और वहाँ पर जो चीज़ें आप रखी हुई देख रहे हैं वो जो है वेस्ट हैं, लेकिन मुझे उन्हें गार्डन में यूज़ करना है। और वहाँ पर मैंने वो हाउस भी रखा है जो मैंने आपसे शेयर किया था, उसका वीडियो जब मैं उसे लेकर आई थी, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये मेरे पास ये जो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, तो वो मेरे पास ज़्यादा वेस्ट पड़े हुए थे तो उनका यूज़ कहीं नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने गमलों के साइड में इस तरह से इसको लगाया था। लेकिन फिर बारिश जब होती थी तो बहुत ज़्यादा नमी हो जाती थी, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। फ़िलहाल अभी मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी, तो मैंने एक जगह हटा कर उसको रख दिया है। और देखते ही देखते काम करते करते बारिश शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने सारा काम रोक दिया और जितना मुझसे हो सका मैंने उतना किया। मैंने प्लांट्स भी रिपोर्ट कर दिया, देखिए वो बकेट खाली हो गई है, तो बोगनविलिया को भी मैंने रिपोर्ट कर दिया। तो फाइनली मेरा गार्डन हो गया है एकदम क्लीन, पूरी तरह से मैंने मेकओवर कर लिया है और हर चीज़ें मैंने सजा ली हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे प्लांटर्स वगैरह मैंने कर लिए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये जो बड़ा बकेट आप देख रहे हैं तो ये टूट गया था, आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा, तो वो मैंने पीछे की तरफ कर दिया है। और उसमें मैंने एक छोटा सा मेरे पास रोज़ का प्लांट था, तो जब तक ये बकेट चल सकता है चलेगा, उसके बाद मैं इसे हटा दूँगी। इसलिए मुझे लगा कि ये वेस्ट है, तो मैंने इसमें गुलाब का प्लांट लगा दिया, क्योंकि मुझे गुलाब के प्लांट को बड़ा करना था और मेरे पास कोई बड़ा प्लांटर था नहीं, इसलिए मैंने इसमें रिपोर्ट कर दिया फ्रेंड्स। और इसके नीचे देखिए मैंने एक छोटा सा हाउस भी रखा है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपसे शेयर पहले भी की थी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये कनेर का प्लांट, तो इसका प्लांटर मेरा टूट गया था तो उसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया, एक बड़ा प्लांट दे दिया और उसकी हाइट काफ़ी हो गई है माशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है मेरा गार्डन इस टाइम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है इसमें। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो आपसे पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा है, तो वो गमले मैंने हटा दिए। उन गमलों को हटाने के बाद मैंने जितने भी DIY बनाए थे प्लास्टिक कंटेनर के, सब वहाँ पर रख लिए हैं। और उसमें पॉर्चुला का वगैरह लगे हुए हैं, मॉसरोस वगैरह लगे हुए हैं, तो वो जब खिलते हैं सुबह में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पर भी मैंने देखिए इसी तरह से छोटे छोटे प्लांटर्स रखे हुए हैं, और रेन लिली मैंने साइड साइड में प्लांटर्स जो भी हैं वो सब रख दिए हैं। इस तरह से कुछ लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भरना नहीं है और थोड़ा खाली भी होगा तो अच्छा लगेगा। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मेरा मटकी स्टैंड मैंने बनाया था, तो ये ना हवा बहुत तेज़ चली तो उसकी वजह से ये मेरी मटकी जो है वो गिर गई, तो वो क्रैक हो गई, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अभी ऐसे रख गया, बाद में मैं इसको रिपेयर करूँगी। अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम है और गार्डन का काम करते करते इतना ज़्यादा टाइम गुजर गया कि मुझे पता ही नहीं चला। और फाइनली देखिए मेरा गार्डन इस तरह से, और यहाँ पर देखिए आप आगे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ये हाउस बड़ा वाला हाउस रख दिया। तो फाइनली मेरा गार्डन का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपना गार्डन मेकओवर कर लिया है। लेकिन अभी आपको मेन चीज़ नहीं दिखाई है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो वाइट ये दिख रही हैं, तो ये मैंने गार्डन में लाइटिंग लगाई है। हालाँकि हमारा पूरा घर ही सजा था लेकिन मैंने गार्डन में भी लाइट्स लगाई हुई हैं, तो जब ये रात में जलेंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगी आगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा इस तरह से ये गार्डन आ रहा है, और जो बोगनविलिया मैंने पीछे लगाया था वाइन की तरह जो मैंने इसको ग्रो किया था, तो वो मैंने यहाँ कर दिया क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा गिर जा रहा था वो हवा से, तो वो बार बार प्लांटर्स जो है टूट जा रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। तो अब मैं आपसे लाइटिंग शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने ग्रीन लाइट का यूज़ किया हुआ है, और देखिए पूरे गार्डन में मैंने इस तरह से, मतलब मैंने नहीं, मेरे घर वालों ने इसमें थोड़ा सा मेहनत की, और गार्डन में तो लाइट्स वगैरह मैंने ही लगाई है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से लाइटिंग्स लगी हुई हैं, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, आप लोग भी बताइएगा ये कैसा लग रहा है। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर लगाने के लिए कुछ मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो आगे से मैंने लगाया है, और यहाँ पर किसी वजह से नहीं लग सकी थी लाइट। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो मैंने DIY बनाया था ईद मिलादुन्नबी पर, तो वो भी मैंने आपसे शेयर किया था, तो उसका भी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये छोटा सा लैम्प मैंने इस कनेर के प्लांट में लगाया था, ये भी मैंने आपसे शेयर किया है, छोटा सा लैम्प मैंने बनाया था, DIY किया था इसका। और देखिए इस तरह से कुछ मेरा गार्डन लग रहा है, तो ये आपको अंधेरा लग रहा है लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा रोशनी थी, कैमरे में इतना क्लियर नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी। और जो जो मैंने जहाँ जहाँ पर हाउस रखे हैं वहाँ वहाँ पर मैंने एक छोटी छोटी LED लाइट्स भी रख दी है। तो देखिए ये देखिए मेरा ये वाला हाउस, तो यहाँ पर भी मैंने LED लाइट का यूज़ किया हुआ है, और मेरा गार्डन रात में कुछ इस तरह से लग रहा है। और मेरे घर में सबको मेरा गार्डन बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है, मुझे तो अच्छा लग ही रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से रात में लुक आ रहा है, कैसा लग रहा है फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत लगी है। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा आप लोग।
तो काफ़ी सारी मेहनत और काफ़ी सारे टाइम के बाद मेरा गार्डन कुछ इस तरह से लग रहा है, और बहुत ज़्यादा खर्च मैं नहीं करती हूँ। आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने ज़्यादातर कबाड़ से जुगाड़ किए हैं, वेस्ट का यूज़ करके अपने गार्डन को सजाया है। कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया है। ऐसा नहीं है कि मैं पैसा नहीं खर्च करती हूँ, बिल्कुल खर्च करती हूँ, लेकिन मैं गार्डन में ज़्यादातर फ्री की चीज़ों का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे दो चीज़ों को फ़ायदा है। एक तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खुद घर पर बनाने को मिलती हैं, ऊपर से हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख ही जाते हैं, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपने गार्डन में क्राफ्ट वगैरह करती रहती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।